एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स योर किरण ज्योति ब्लॉग्स। और आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं अपनी लोकल मार्केट नदौन में। तो यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा छोटा है और पीछे मम्मा भी आ रहे हैं, तो हम इस रास्ते से होके जा रहे हैं और आगे दीदी खड़े हैं ये यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ के आज लोकल मार्केट के बारे में बताऊँगी और थोड़ा बहुत बस दिखा दूँगी कि दिवाली पे क्या क्या सेल लगी हुई है, क्या क्या चला हुआ है, दिवाली पे मार्केट कैसे सजी हुई है, सब कुछ दिखाते हैं हम आपको। ओके बाय। सकते हैं हमारी लोकल सड़कों का हाल ये है, बस हमें इस रास्ते से गुजर के वहाँ जो हमारी सड़क बनी है यहाँ पर जाना है। हम जा रहे हैं ज्वेलरी। तो एक्चुअली मैंने कल भी थोड़ा सा क्लिप लिया था लेकिन उसके बाद मैं उस ब्लॉग को कंप्लीट ही नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि और हमें सामान भी लेना था ऑब्वियस है, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई आगे। तो आज फिर से हम मार्केट जा रहे हैं तो मेरे को लगा कि मेरे को ब्लॉग करना चाहिए और दीदी ने बोला कि हाँ तुम ब्लॉग कंटिन्यू कर आगे। सो ये मेरा स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ। हाँ वही हमारी कुछ की लोकल मार्केट करवाऊंगी बाहर से ही गेट वगैरह से। सो हमारे हिमाचल की सड़कें तो ऐसी होती है भाई, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है आज। तो जो पहाड़ियाँ आपको मैंने पहले दूर से दिखाई थी, अभी देखो वो पास आते हुए, तो ये पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जो हम एंटर हो चुके हैं ज्वेलॉजी के लिए, और ये ज्वेलॉजी की पार्किंग है। ये तो स्टार्टिंग है, इससे आगे तो अभी भीड़ होने वाली है। और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे जो है दिवाली के टाइम पर से शूज़ वगैरह की सेल भी लगती रहती है, तो मैं वहीं ये आपको वही दिखा रही थी। और कपड़े वगैरह सब सेल्स चली होती है क्योंकि ये ना दिवाली के टाइम ही होता है, ऐसे नहीं होता कि रेगुलर मार्केट में ऐसा लगता है, नहीं दिवाली के टाइम ही ये सब सेल्स वगैरह लगती है। उसके बाद ये सब सामान ऐसे हट जाता है। ये सब मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये मिठाई वगैरह सब कुछ लगा होता है। और ये हमारे यहाँ के लिए मतलब फेमस मिठाई की शॉप है, ज़्यादा जी की फेमस शॉप है जहाँ से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है दिवाली वाली टाइम, तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइन लगी होती है, वहाँ से मिठाई ली और वापस कर लिया। सो अभी हमने बहुत सारा शॉप कर लिया और हम सारी शॉपिंग करके वापस जा रहे हैं और फिर घर पे आते ही हमने जो डेकोरेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा था और हमारा घर कुछ ऐसा इस तरह से सजा हुआ था, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिवाली वाले टाइम तो हर कोई अपने घर को सजाता है, तो हमारा घर भी कुछ ऐसे लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अब लगे हाथ अपनी रंगोली भी दिखा दूँ। कुछ खास तो मैंने बनाई नहीं थी, मुझे इतनी अच्छे से बनानी नहीं आती है, पर जैसे भी मुझे आती है बनाने मैंने बना दी। और मैंने सोचा हैप्पी दिवाली, और फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वीडियो भी बना ली जाए, क्योंकि इतनी बुरी भी नहीं बनी थी वैसे तो। जय हो। और उसके बाद फिर हमने ये सब दीप वगैरह जला के दिए। और ये मेरी छत का व्यू है, मैं सबको ऊपर टेरेस से क्यों ना दिखा दूँ कि हाँ छत पे हमने इस तरह से कुछ दिए लगाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे, भले ही थोड़े टाइम के लिए जगे हो लेकिन फिर तो बुझ जाते हैं ना बाद में, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सो दिवाली की हो गई है प्रॉपर तैयारियाँ और अब जगमग जगमग से देख ही रहे होंगे हमारा पूरा घर जगमग गया है एकदम मैसिव। तो मैं आपको अभी जो है बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे जाके पूरा दिखाऊंगी मैं। अभी ये मैंने रंगोली बनाई है यहाँ पे, ये पूरा भी इधर हमने पूरी ऐसे मोमबत्ती और दिया लगा दिए, ऊपर वाले फ्लोर में भी लगाया है, यहाँ पे भी सारा जैसे भी लगा ही रहे हैं।
तो जैसे मैं अभी नीचे जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ होंगी। वैसे पूजा वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है और हम ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं अभी, इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है। हमने तो बहुत अच्छे से पूजा करी, पूरी आरती गाई बट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं अभी न्यू स्टार्टिंग है मेरे ब्लॉग की, तो मैं इतना कर नहीं पा रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप ले रही हूँ।